डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, ऐसा लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब समझ में आ गया है कि हवा उल्टी चल रही है, उनकी अलोकप्रियता चरम पर पहुंच गई है और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड की भी दुर्दशा होने वाली है इस चुनाव में। और यही वजह है कि अब उनका रुख लगातार बदलता जा रहा है। पहले वो बड़े कॉन्फिडेंट दिख रहे थे, आत्मविश्वास से भरे हुए दिख रहे थे, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे तेजस्वी की लहर बढ़ने लगी, जोर पकड़ने लगी, सत्ता विरोधी लहर के लक्षण भी दिखने लगे, तो वो हताशा में खींचने लगे, गुस्सा करने लगे, सार्वजनिक सभाओं में कुछ ऐसे कमेंट करने लगे जो उनसे अपेक्षा नहीं की जाती है। उन्हें बहुत शालीन माना जाता है, लेकिन वो शालीनता की हदें भी पार करते चले गए। अब एक नया मोड़ आ गया है और वो नया मोड़ ये है कि जो अकड़, जो अहंकार नीतीश कुमार के व्यवहार में हम लोग पिछले 10, 12, 15 सालों से देखते आ रहे हैं, वो अकड़ भी निकलती जा रही है, वो अकड़ भी ढीली पड़ती जा रही है। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है नीतीश कुमार के व्यक्तित्व में। उनकी छवि जो बनी हुई है उसको तोड़ती है, क्योंकि वो अपनी अकड़ के लिए, अपने अहंकार के लिए किसी से भी भिड़ पड़ते थे और नरेंद्र मोदी से भी भिड़ चुके हैं, बल्कि उनके साथ उनके 36 के रिश्ते थे और धीरे धीरे थोड़ा सा सहज हुए होंगे। लेकिन इस बार चुनाव में चूंकि उनकी हालत खस्ता है, उनकी पार्टी की हालत खस्ता है, और चुनाव के बाद उनका क्या होगा उन्हें खुद पता नहीं होगा, कोई नहीं जानता कि अगर उनकी कम सीटें आईं, बहुत कम सीटें आईं, तब वो मुख्यमंत्री भी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, और बने भी, बीजेपी ने अगर उन पर दया दिखा भी दी तो भी उनकी हैसियत क्या रह जाएगी। तो इसी सब के मद्देनज़र वो अहंकार उनका टूटा है, उनकी अकड़ ढीली हुई है और अब ये नौबत आ गई है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगने लगे हैं। उन्हीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगने लगे हैं जिनको उन्होंने 2010 के चुनाव में बिहार में घुसने नहीं दिया था अपनी ही पार्टी के प्रचार के लिए। उन्हीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, हालांकि उस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और फिर 2015 के चुनाव में भी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री से उठकर देश के प्रधानमंत्री बन गए, तब भी उनका रवैया जो था वो बहुत ही उनके प्रति नकारात्मक था और उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से उन्होंने नारा दिया था संघ मुक्त भारत का, जो कि नरेंद्र मोदी कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे, तो उसके बरक्स उन्होंने संघ मुक्त देश का नारा दिया था, भारत का नारा दिया था। तो ये एक टकराव लगातार चलता रहा था। वो नरेंद्र मोदी के साथ मंच तक साझा करने के लिए तैयार नहीं थे, उनसे 2 गज की दूरी बनाकर रख रहे थे और एक तरह से उनके लिए नरेंद्र मोदी अछूत हो गए थे। 2000 दंगों में नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी और उनकी सरकार की जो भूमिका थी उसके मद्देनज़र नीतीश कुमार ने एक ऐसा भ्रम खड़ा करने की कोशिश की कि वो उनको सख्त नापसंद करते हैं और चूंकि वो अपनी एक धर्मनिरपेक्ष छवि गढ़ने के लिए हमेशा सजग रहे हैं। हालांकि हम सब जानते हैं कि उन्होंने कितने समझौते किए हैं, कैसे वो नागपुर में संघ के दफ्तर में जाकर नाक रगड़ चुके हैं, संघ की गोद में बैठ चुके हैं, और जब वो एनडीए सरकार में मंत्री होते थे वाजपेयी सरकार में और उसी समय जब गुजरात में ये भयानक नरसंहार हुआ था तब भी वो खामोश रहे थे, उन्होंने कुछ बोला नहीं था। तो उनकी जो धर्मनिरपेक्षता है वो अवसरवादिता पर टिकी है और चूंकि बिहार में उन्हें लगता है कि मुस्लिम वोट भी उनको चाहिए, क्योंकि उनके जो कुर्मी कोयरी वोट बैंक उनका उस समय था वो 10%, वो बहुत ज़्यादा नहीं था बिहार की राजनीति के हिसाब से, तो उन्होंने अपने लिए एक वोट बैंक खड़ा करने के लिए उसमें एक कोना मुसलमानों के लिए भी रखा था और उनको खुश करने के लिए वो नरेंद्र मोदी, संघ और बीजेपी के प्रति थोड़ा कई बार कड़ा रुख अख्तियार करते दिखते थे ताकि मैसेज ये जाए कि वो इनको नापसंद करते हैं। अब ठीक है, सत्ता में भागीदारी के लिए या मुसलमानों का हित देखने के लिए वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो एक तरह का उन्होंने ये पाखंड, ये भ्रम क्रिएट करके रखा हुआ था बिहार में और जिसका फायदा उनको निश्चित रूप से मिल भी रहा था, लगातार मिला है। तो उस भ्रम को
वो बनाए रखते और अभी भी बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस चुनाव ने उनका वो सारा अपने अपने उनकी जो सारी रणनीति है उसको ध्वस्त करके रख दिया, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जिस तरह से जनता का आकर्षण हासिल किया, जनता का समर्थन हासिल किया अपने मुद्दों से, अपने व्यवहार से उसने। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मौजूदा सरकार है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उनके खिलाफ जो जबरदस्त गुस्सा आम लोगों में है, उसने उसने भी तेजस्वी यादव की मदद कर दी और उन्हें एक नायक के रूप में बिहार चुनाव में खड़ा कर दिया। अब जब तेजस्वी यादव उनके सामने खड़े हैं और एक नौजवान लड़का जो उनके उन्हें चाचा कहता है, इतनी कम उम्र का लड़का सीधे उन्हें चैलेंज कर रहा है, तो ये उनके अहंकार को, अहम को चोट पहुंचाता है और लगातार वो चोट पड़ते पड़ते अब वो खींचने और खिसियाने लगे हैं। तो अब ये उनके लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है ये चुनाव, कि कैसे भी करके चुनाव ये जीतना है, क्योंकि लगातार उनके बारे में नकारात्मक बातें कही जा रही हैं, उनकी छवि बिगड़ती जा रही है और एक कमजोर नेता के रूप में वो जाने जाने लगे हैं। तो अब वो अपनी स्ट्रेटजी बदल रहे हैं, अपनी अकड़ को भूल रहे हैं, अपने अहंकार को दबा रहे हैं और सीधे मोदी शरणम गच्छामी हो रहे हैं, मोदी की शरण में चले गए हैं और मोदी की तारीफ कर रहे हैं। अभी बुधवार को जो मोदी की रैली में उनके साथ थे तो उन्होंने मोदी की भरपूर प्रशंसा की। मोदी ने जिस तरह से कोरोना वायरस से निपटने के लिए दिखाई, उसको उन्होंने कहा कि ये तो एक्सेप्शनल है, अपवाद है, इतने अच्छे ढंग से उन्होंने कोरोना क्राइसिस से निपटाया। लेकिन हम सब जानते हैं कि कोरोना संकट से निपटने में ये सरकार कितनी लचर साबित हुई है, फिर भी वो उसकी तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर अपने लिए वोट मांगे, इससे ज्यादा आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति के लिए नीचे उतरना और कुछ हो ही नहीं सकता, कि उन्हें दूसरे व्यक्ति के नाम पर वोट मांगना पड़ रहा है अपने इतने साल के लंबे राजनीतिक अनुभव के बावजूद, राजनीतिक अपने कद के बावजूद उन्हें उसी व्यक्ति के नाम पर वोट मांगना पड़ रहा है जिस व्यक्ति को वो खारिज करते आए हैं, जिस व्यक्ति को वो सार्वजनिक तौर पर ये कहते आए कि नापसंद करते हैं। तो लेकिन ये नीतीश कुमार के इस व्यवहार में कुछ विचित्र नहीं देखा जाना चाहिए। नीतीश कुमार दरअसल एक अवसरवादी समाजवादी नेता हैं। वो अपने को किसी भी स्थिति में अपनी जीत के लिए, अपनी कुर्सी के लिए किसी भी तरफ पलटा खा सकते हैं, कोई भी यू टर्न ले सकते हैं। इसीलिए उन्हें पलटू राम भी कहा जाने लगा है, उन्हें कुर्सी कुमार भी कहा जाने लगा। शुरुआत के दौर में उन्हें सुशासन बाबू कहा जाता था, क्योंकि शुरुआत में ये भ्रम वो पैदा करने में कामयाब रहे थे कि बिहार में सुशासन आ गया है और बिहार बहुत जबरदस्त तरीके से तरक्की कर रहा है। ये सच नहीं था, ये प्रचार से गढ़ी हुई एक छवि थी, प्रचार के जरिए बनाया गया एक ऐसा महल था जो बहुत भव्य तो दिखता था लेकिन अंदर उसके अंधेरा ही अंधेरा था। तो नीतीश कुमार इस बार भी अब यही कर रहे हैं, पूरी तरह से मोदी की शरण में चले गए हैं, बीजेपी की शरण में चले गए हैं, संघ की शरण में चले गए हैं और अब उन्हें लग रहा है कि अब हिंदुत्व के नाम पे जो वोट आएगा वही जेडीयू को बचा सकता है, नीतीश कुमार उनको खुद को बचा सकता है, क्योंकि उनका अपना वोट बैंक अब बिखर गया है, वो एंटी इनकम्बेंसी लहर में बह गया है और वो निश्चित रूप से उनका साथ अब नहीं देगा। मुस्लिम तो बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहे हैं, जो दूसरी जातियां उन्होंने तोड़कर सोशल इंजीनियरिंग के जरिए अपने से जोड़ी थी उनका भी मोह भंग हो गया है और भी उसमें भी बड़ा हिस्सा खिसक रहा है। तो ये एहसास नीतीश कुमार जैसे अनुभवी और परिपक्व नेता को भली भांति हो गया होगा और इसीलिए वो लगातार अब अपना स्टैंड बदल रहे हैं और अब पूरी तरह से मोदी की शरण में चले गए हैं। सवाल उठता है कि क्या इस तरह से मोदी की शरण में जाने से उनका उद्धार हो पाएगा, क्या उनकी नैया पार लग पाएगी। हो भी सकता है इसके दोनों पक्ष हैं, हो सकता है कि नीतीश कुमार की इस कमजोरी को देखते हुए बीजेपी थोड़ा रहम खाए और जो अभी तक चिराग पासवान के जरिए उन पर अटैक करवाती रही है या उनकी जड़ें खोदने के लिए दूसरे
काम करती रहती कर रही है उनको रोक दे और जेडीयू का और नुकसान होने से थोड़ा बच जाए। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है, दूसरा पक्ष ये है कि अगर वो पूरी तरह से बीजेपी में हो जाते हैं तो जाहिर है कि जो एंटी बीजेपी वोट बैंक है वो उनके साथ नहीं जाएगा। उसमें मुसलमान ही नहीं है, यादव ही नहीं है, बल्कि और भी समुदाय हैं जिनके वोट उनको मिल जाते थे, अब नहीं मिलेंगे, जिसमें दलितों का भी बड़ा हिस्सा है वो भी नहीं मिलेगा। महादलित जो उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग के जरिए अपने से जोड़ने की कोशिश की है वो भी टूट के छिटक सकता है। तो ये दोनों स्थितियां हैं, एक दांव है जो नीतीश कुमार खेल रहे हैं मोदी के साथ मिलकर। इसके अच्छे और बुरे दोनों परिणाम हो सकते हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि नीतीश कुमार के पास अब इस समय कोई और चारा भी नहीं है, उनके पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि जिस स्ट्रेटजी पर वो चल रहे थे वो पूरी तरह से फेल हो गई है, वो ध्वस्त हो गई है, नस्तनाबूद हो गई है, और अब उन्हें किसी नई तरीके की रणनीति की जरूरत है। और वो रणनीति अब उन्होंने इस रूप में खोजी है कि अब हम मोदी के नाम पर वोट मांगेंगे, क्योंकि मोदी की अपनी कुछ लोकप्रियता है, उनका अपना कोई आकर्षण है, और उसकी वजह से शायद जेडीयू के झोली में भी कुछ वोट आ जाएं। तो अपने नाम पर वोट मांगना नीतीश कुमार को अब लग रहा है कि ये नुकसानदेह होगा, बीजेपी या नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगना फायदेमंद होगा, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी अकड़ ढीली करनी पड़ेगी, उन्हें अपना अहंकार छोड़ना पड़ेगा और पूरी तरह से नतमस्तक होना पड़ेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, उन्हीं नरेंद्र मोदी के सामने जिन्हें वो सख्त नापसंद करते थे या ऐसा जताते थे कि वो उन्हें नापसंद करते हैं, जिनके साथ वो मंच शेयर करने के लिए तैयार नहीं थे, जिनको वो अपने साथ प्रीत भोज में भी नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि एक 2010 में एक प्रीत भोज का आयोजन किया गया था पटना में, और जब ये हुआ कि नरेंद्र मोदी भी आएंगे तो उन्होंने वो प्रीत भोज ही कैंसिल कर दिया था। तो इस तरह की हरकतें वो कई बार कर चुके हैं जो सीधे निशाना लगाती थी नरेंद्र मोदी पर, और अब पलट कर वो उन्हीं की गोदी में बैठने के लिए तैयार हैं। तो नीतीश कुमार का पराभव ये एक और चरण है, पराभव का एक और कदम, वो नीचे चले गए हैं। अपने जो भी उन्होंने अपने लिए एक मयार तय किया था, जो अपनी एक छवि बनाई थी राष्ट्रीय स्तर पर, कभी वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर भी देखे जाते थे, आज बिहार के चुनाव में वो कहते हैं ना पुनः मूषको भाव, एक चूहे की तरह हो गए हैं, और उन्हें अब नरेंद्र मोदी की दरकार है, बीजेपी की दरकार है एक चुनाव जीतने के लिए, और ये चुनाव नीतीश कुमार के लिए करो या मरो का है, क्योंकि इसके बाद उनका करियर खत्म होने जा रहा है। अगर वो ठीक ढंग से इस चुनाव को जीत नहीं पाते हैं, दोबारा ठीक ठाक स्ट्रेंथ के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पाते हैं, तो जाहिर है कि उनके लिए आगे का राजनीतिक सफर बहुत अंधकारमय हो सकता है। तो ये एक मैसेज है कि नीतीश कुमार ने एक तरह से तेजस्वी यादव के सामने हार मान ली है, अपनी अकड़ छोड़ दी है, बिहार में उनकी अपनी पकड़ अब नहीं रही है, और अब उन्हें पूरी तरह से बीजेपी पर निर्भर रहना पड़ेगा, बीजेपी के नेताओं पर, और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आकर्षण पर, उनके जादू पर निर्भर रहना पड़ता है। वो कि जादू कितना काम आएगा ये आने वाले वक्त में हमें दिखाई देगा। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी रिपोर्ट, उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जिन्होंने अभी तक sathhindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।